नमस्कार, मैं हूं मंजू। आइए आज हम बनाएंगे आलू और कुंदरू की सब्जी। आलू और कुंदरू को सब्जी बनाने के लिए हमको जो सामान चाहिए वो है ये हमने दो बड़े साइज के आलू काट कर रखे हुए हैं धो के। उसके बाद हमने ये कुंदरू को लंबे भागों में काट कर रख लिया है। उसमें हमें डालने के लिए जो सामान चाहिए, हमको सबसे पहले जीरा चाहिए थोड़ा सा, ये हमने हरी मिर्ची और कड़ी पत्ते काट कर रखे हुए हैं, ये थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा नमक और थोड़ी सी मिर्ची पाउडर, थोड़ा हमें गर्म मसाला चाहिए, थोड़ा सा गम चूर पाउडर चाहिए और थोड़ा ये धनिया पाउडर चाहिए और इसमें डालने के लिए थोड़ा हरा धनिया चाहिए। चलिए अब हम सब्जी बनाना स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई वाली गर्म हो चुकी है, सबसे पहले हम इसमें तेल डालेंगे। तेल गर्म हो चुका है, हम इसमें सबसे पहले डालेंगे जीरा। उसके बाद हम डालेंगे थोड़ी सी हींग। फिर हम इसके बाद डालेंगे हमने जो थोड़े से कड़ी पत्ते लिए हुए थे वो, और थोड़ी हमने हरी मिर्ची ली थी, इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ा हल्दी पाउडर। उसके बाद हमने जो आलू काट के रखे थे वो हम इसमें डाल देंगे और हमें जो कुंदरू काट के रखे थे वो डाल देंगे। अब हम सबसे पहले इसमें डाल देंगे नमक, बाकी मसाले हम पूरे बाद में डालेंगे। आइए अब हम इसको अच्छी तरह मिला देते हैं। इसे हमने नमक जो डाला था उसके बाद हमने इसको अच्छी तरह से मिला दिया। इसको मिलाने के बाद हम इसको 5 मिनट के लिए ढककर रख देंगे, गैस हम धीमी कर लेंगे। आइए हम एक बार देख लेंगे कि सब्जी अभी सीझी या नहीं सीझी। सब्जी में अभी हमको थोड़ी कसर लग रही है, चलिए एक बार फिर से ढक देते हैं। ये देखिए सब्जी अब हमारी सीझने वाली है। अब हम इसमें जो हमने मसाले लिए थे वो हम थोड़े थोड़े डाल देंगे। सबसे पहले हम डालेंगे मिर्ची पाउडर। अगर आपको ज़्यादा तेज मिर्ची पसंद है तो आप मिर्ची ज़्यादा भी डाल सकते हो। उसके बाद हम डालेंगे इसमें धनिया पाउडर। फिर हम डालेंगे थोड़ा सा अमचूर पाउडर। फिर हम डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला जो हमने लिया हुआ था। चले हम इसको अच्छी तरह मिला देंगे। ये सब्जी जब थोड़ी सीजने में कमी रहेगी या थोड़ी मतलब बिल्कुल ज्यादा नहीं बनेगी, आधी सीजने के बाद ही हम इसमें पूरे मसाले डाल देंगे, क्योंकि अगर पूरी सब्जी बन जाएगी तो फिर मसाले मिलाने के टाइम सारी सब्जी मिक्स हो जाती है। हमने इसमें सारे मसाले मिला दिए हैं। अब हम इसको 2 मिनट के लिए एक बार ढक देंगे, जो हमने मसाले मिलाए हैं वो भी इसमें अच्छी तरह सिक जाएंगे। आइए हमारे आलू और कुंदरू की सब्जी बनके एकदम तैयार है। इसको देखते ही खाने का मन चल जाता है। गरम गरम पराठे सेके फिर आलू कुंदरू की सब्जी खाइए। चलिए हमारी सब्जी बनके एकदम रेडी हो चुकी है। अब हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे जो हमने काट कर रखा था। अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक करना ना भूले और उसी के साथ हमारे वीडियो को जितना हो सके उतना ज्यादा अपने परिवार वालों और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट्स में हमें बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसे लगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सब्सक्राइब करने के बाद आपको साइड में एक बेल आइकन दिखेगा, उसे प्रेस करके हमारे नोटिफिकेशन लगातार पाते रहे अपने मोबाइल पर डायरेक्टली।